जी देखिए, आपको पता है जब से मैं डिप्टी मेयर बना हूँ तब से यहाँ पे साजिशें रची जा रही है कि कब इसको डाउन किया जाए इस पोस्ट से। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कॉरपोरेशन में जो नहीं चाहते हैं कि उनका जो भी यहाँ पे नाजायज़ काम हो रहे हैं उनका खुलासा हो। मैं कोई ना कोई खुलासा तो करता ही रहता हूँ, गवर्नमेंट को लिखता ही रहता हूँ। बहुत सारे ऐसे स्कैंडल्स हुए हैं यहाँ पे जिनके बारे में मैंने गवर्नमेंट को आगाही दी और उनके खिलाफ़ कार्रवाई भी हुई, और ये लोग अभी भी मेरे खिलाफ़ जो षड्यंत्र रचा रहे हैं यहाँ पे कॉरपोरेशन में, बाकी यहाँ के अफसर भी उनमें कुछ है गिने चुने, और हमारे जो साथी है अपने साथी है वो भी इस साजिश में शरीक हो रहे हैं। मगर मेरा ये यकीन है कि मैं साफ पाक हूँ, मैं अपनी जो सियासत है मैं अपनी तरीके से चला रहा हूँ, जो मेरा फ़र्ज़ है मैं अपने बखूबी वो निभा रहा हूँ, मुझे इन चीज़ों का डर नहीं है। हालांकि इन्होंने काफ़ी कोशिशें की मुझे बदनाम करने की, मेरे खिलाफ़ साजिशें रची जा रही हैं और बदनाम कर भी रहे हैं, मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्लियर हूँ, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए, मैंने कहा कि मेरे खिलाफ़ बहुत सारे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, इनको कहीं से हायर करने पड़ते हैं मेरे लिए आदमी की जो मेरे खिलाफ़ कंप्लेंट्स करें, और बाद में जो वो कंप्लेंट्स है वो बाद में खारिज की जाती है क्योंकि उनकी कोई बुनियाद नहीं होती है। ये ऐसे भी उन चीज़ों में अभी भी मुलावस है। हालांकि मैंने आपको मैंने परसों भी कहा था, आप लोगों ने ही उस न्यूज़ को शाया किया था जो मेरे खिलाफ़ लिखेगा, मैंने कहीं ऐसे आदमियों के खिलाफ कोर्ट में जाके उनको रेस्टेंट किया था, मगर फिर भी वो बाज नहीं आ रहे हैं। तो मैंने आज कोर्ट में उनके खिलाफ़ कंटेम्प्ट भी दायर किया, तो अब कानून अपना काम देखेगी। मैं भी कानून को मानता हूँ, कानून को लेकर चलता हूँ, और मुझे भी कानून पे पूरा भरोसा है। जो भी यहाँ पे सिक्योरिटी एजेंसी है इनको देख रही हैं तो वो भी अपने अपना जो काम है वो बखूबी निभा रही है, और हमें फ़ख्र है कि हमें ऐसे यहाँ पे जो कानूनी निज़ाम बन गया है कश्मीर में अभी बहुत अच्छा चल रहा है। मुझे पूरा यकीन है अपने कानून पे। हालांकि आपको पता है कि जब मैंने कल भी हालांकि बहुत सारे लोगों ने उसके खिलाफ़ ट्वीट भी किए थे, मैं कल यहाँ गया था जो जैकला यार्ड है हमारा, मैंने वहाँ पे नए हूपर्स देखे, आप लोगों ने भी खुद देखे कि उनकी हालत क्या हो गई है, जो स्पेसिफिकेशन उनकी चेंज हुई है, जो हमने यहाँ से स्पेसिफिकेशन दी थी कि हमें क्या ज़रूरत है, हमें क्या दरकार है, और उधर से हमें क्या मिला है। तो मैंने उसके खिलाफ़ भी आवाज़ उठाई है कि अगर ये लोगों की भलाई के लिए है कि कहीं ये सरकारी इमला को नुकसान पहुंचाने के बराबर तो नहीं है, तो उन चीज़ों को देखा जाए। तो काफ़ी ऐसे है, आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन है अभी स्मार्ट सिटी के बारे में लिख रहे हैं, अपने ट्वीट्स कर रहे हैं। इमरान साहब ने भी परसों, आपने देखा होगा, उन्होंने भी कल भी एक ट्वीट किया था, परसों भी एक ट्वीट किया था। अब ये लोगों के सामने नंगे होते जा रहे हैं, तो मेरा काम है यही, इसके खिलाफ़ जुल्म के खिलाफ़ आवाज़ उठाना, करप्शन के खिलाफ़ आवाज़ उठाना मेरा काम ही यही है।